ജയ് ഹിന്ദ്. വിരമിച്ച സൈനികൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒആർഒപിയിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സബ്ക സൈനിക് സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി എന്ന സംഘടന 278 ദിവസമായി ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിൽ ധർണയിലാണ്. നാളെ, അതായത് 25 നവംബർ 2023, ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം അഥവാ റെയിൽ റോക്കോ ആന്ദോളൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. दूसरे अरेंजमेंट के लिए और सुरक्षा के लिए अलग अलग जिन जिन का ड्यूटी लगाया गया है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग ड्यूटी है और उनके नीचे अलग अलग टीम रहेगी और आज उनको कहां कहां पे ड्यूटी करना है वो जगह दिखाई गई है ग्राउंड पे और उनको बताया गया है कि आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है. तो आज उसके बाद पूरे देश के जो पूर्व सैनिक हैं उनको वो जगह दिखाई गई है कि कहाँ पर जो है वो एकत्र तो होना है और कहाँ से जो है रेल रोको शुरू करना है. और आज ये भी जानकारी दी गई है देश के पूरे पूर्व सैनिक जवानों को कि जो पहले हमारा रेल रोको प्रोग्राम था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 11 बजे का, उसको अभी बदली करके जो है सुबह 8 बजे का समय कर दिया गया है. अभी क्या है, सुबह 8 बजे होगा. बहुत सारे देश के पूर्व सैनिकों ने हमें फोन पर ये सजेस्ट किया था कि जो हम वहाँ पे 23 या 24 को पहुँच जाएंगे तो आप 25 को जो है 11 बजे की जगह सुबह का टाइम करिए. इसलिए हमने जो है वो 11 बजे का टाइम की जगह पे सुबह 8 बजे का टाइम कर दिया है. अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सुबह 8 बजे 25 नवंबर को जो है रेल रोको शुरू किया जाएगा. देखिए, ऐसा अभी कोई भी, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय रक्षा मंत्री जी हों, ऐसा संभव ही नहीं है कि उनको पता नहीं होगा. पिछले 10 महीनों से जो संघर्ष चल रहा हो और पूरे देश के पूर्व सैनिकों को पता हो, पूरे देश के जो आम नागरिकों को पता हो कि पिछले 10 महीनों से जवान जो है जंतर मंत्र पे बैठे हों और जो हमारे यहाँ पे जंतर मंत्र से 100 मीटर दूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, रक्षा मंत्री जी रहते हैं और उनको पता नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है. प्रधानमंत्री जी के पास और रक्षा मंत्री जी के पास सबसे पहले सुबह जो है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है. तो इंटेलिजेंस जो है पूरा सुबह सुबह हमारा जंतर मंत्र से रिपोर्ट लेते हैं, कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, सब कुछ उनके पास डाटा होता है. और सबसे पहले सुबह जो रिपोर्ट होती है पीएम को, आरएम को, वो होती है इंटेलिजेंस की. तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि उनको पता नहीं होगा. पहले हम यही बोलते रहे हैं कि शायद नीचे के अधिकारियों को पता है लेकिन हमारे जो है प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जी को नहीं पता होगा. लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता. हमने शांतिपूर्वक 10 महीने निकाले हैं लेकिन केंद्र सरकार शायद हमारा उग्र रूप देखना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो इसलिए अभी हमने फाइनल तैयारी की है और पूरे देश से हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो पूरी स्टेट्स में से एक्स सर्विसमैन जवानों ने जो हमें दिया है उसके हिसाब से हमारे पास अभी तक का जो आंकड़ा है वो 415,000 का है कि 415,000 पूर्व सैनिक जो है वो इस रेल रोको में आएंगे. लेकिन हम उसको ये मान रहे हैं कि आप उसमें से जो 115,000 निकाल दीजिए तब भी हमारे पास यहाँ पे 3,00,000 का इकट्ठ होगा. 3,00,000 पूर्व सैनिक पूरे देश से एकत्रित होंगे जो एक पूरा पूरे देश में रिकॉर्ड होगा. देखिए, हम नहीं चाहते थे ऐसा कोई भी कार्य करना, इसलिए हम टंकियों पे भी चढ़े लेकिन इसलिए चढ़े कि आम पब्लिक को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. अगर हमने पहले रेल रोको भी किया था तो सिर्फ 4 घंटे के लिए किया था. 4 घंटे के बाद हमने जो है वो छोड़ दिया था कि ताकि जो आम पब्लिक है वो परेशान नहीं हो, क्योंकि हम भी अपने देशवासियों को, उसी देश के वासियों को जिसके लिए हमने पूरी जवानी अपनी लगा दी वहाँ पे सेना में सेवा करते हुए देश के लिए, और उसी देश के जो आम नागरिक हैं उनको हम परेशान करें ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था. इसलिए हमने पहले ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था. जो बनाया था वो भी संकेतक था
लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है, अगर 10 महीने जहां पे पूर्व सैनिक जवान बैठे हुए हैं, वो भी कोई आम आदमी नहीं, पूर्व सैनिक जवान बैठे हुए हैं, तो केंद्र सरकार को अभी तक जो हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, इतनी पेंशन हमारी बढ़ा दो, ऐसा हमने कभी नहीं बोला। हमने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बैठा दो, हमें पैसा मत दो, लेकिन कम से कम इसका जो है वो पता तो चले कि हमारे साथ कितना भेदभाव हुआ है, और पीछे से नहीं कम से कम आगे से आप उस भेदभाव को बंद करिए। हमने पैसे की डिमांड नहीं रखी, हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बैठा दो, वो अगर 3 मेंबरी कमेटी जो रिटायर्ड जजों की है वो अगर बोल देती है कि आपको जो भी मिल रहा है वो सही है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो हम उसको भी मानने के लिए तैयार हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। लेकिन आप कम से कम केंद्र सरकार को क्या डर है, इसका मतलब तो यही साफ निकलता है कि केंद्र सरकार को भी ये पता है कि जवानों के साथ भेदभाव हुआ है, जवानों के साथ गलत हुआ है, अगर हम कमेटी बैठा देंगे तो जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो देश की आम पब्लिक को नहीं पता था कि जवानों के साथ इतने बड़े लेवल पे भेदभाव होता है वो सामने आ जाएगा। इसलिए इस बात से डरते हुए जो है केंद्र सरकार 3 मेंबरी कमेटी नहीं बैठा रही, नहीं तो आज तक देश में हजारों कमेटी बनी है, और अगर 28-30 लाख पूर्व सैनिक जवान अगर एक कमेटी की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए तो खुशी खुशी से जो है केंद्र सरकार को तैयार हो जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ये मांग नहीं मान रही है तो इसका मतलब यही है कि केंद्र सरकार को भी पता है कि अभी तक पूर्व सैनिक जवानों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो अगर हम वहाँ पे कमेटी बैठाएंगे तो ये जो अभी तक छुपा हुआ था वो सामने आ जाएगा। जो मैंने आपको पहले गिनती बताई है 4,15,000, ये तो पूर्व सैनिक जवानों की है पूरे देश से। हाँ। जो हमारे पास अभी तक काउंटिंग है, जो हमें हमारे जो अलग अलग यूनियन के अध्यक्ष हैं, जहाँ अलग अलग स्टेट्स से जो पूर्व सैनिक जवान हैं, जिन्होंने बहुत सारे जो जगह से दूसरे स्टेट्स से उन्होंने हमें जो है स्लिप्स भेजी हैं, जो रिजर्वेशन करवाया है, उसके हिसाब से हमारे पास अभी तक 4,15,000 पूर्व सैनिकों की काउंटिंग है। और जो हमें किसानों के द्वारा जो ये हमारे साथ समर्थन में आने की बात कही गई है, उसमें उन्होंने बोला है कि हम 2,50,000 के तकरीबन हम किसान आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उसका नाम मैं ये 4,15,000 में काउंट नहीं कर रहा, वो अलग से है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी जो न्यूज़पेपर हैं उनमें बहुत सारे न्यूज़पेपर में किसान यूनियन के अध्यक्षों ने ये बात बोली है कि हम बड़े लेवल पे पूर्व सैनिक जवानों का साथ देंगे, और पूरे दिल से तन मन से जो है जवानों की जो ये रे रोको है उसमें शामिल होंगे। तो जो हमें जो भरोसा दिया गया है वो 2,50,000 का दिया गया है कि किसान यूनियन के जो है 2,50,000 मेंबर्स जो हैं हमारे साथ आएंगे। इसीलिए आज जो है जो हमने रैकी भी की है, जहां हमने जहां पे एडम भी किया है, वो भी इसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि कोई छोटा मोटा लेवल नहीं, अगर ये सभी काउंटिंग किया जाए तो 7,00,000 के तकरीबन पड़ती है, तो इतने आदमियों के लिए अरेंजमेंट के लिए बड़े एडम की ज़रूरत है। इसलिए हमने जो है अलग अलग ड्यूटी लगाई है, अलग अलग अपने जवानों को अलग अलग टीम बना करके उनको निर्धारित किया है कि आप ये करोगे आप वो करोगे। 7,00,000 का जो है हमारे पास अभी तक का काउंटिंग है टोटल जवानों और किसानों की गिनती का, तो उसमें हम मान रहे हैं कि मतलब अगर कम से कम भी होगा तो 4,50,000 का किसान और जवान का कम से कम मिला के चलें तो 4,50,000 की काउंटिंग होगी, तो उसके लिए बड़े लेवल पे जो है एडम की ज़रूरत है। उसके लिए हमने अलग अलग अपनी टीम बना दी है और बड़े लेवल पे हम उसका खाने का और जो पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अलग अलग टीमें बन गई हैं, उनके जो जहाँ पे हमारे सदस्य जहाँ पे पहुँचे उनके अंडर में अलग अलग टीमें जो हैं, तकरीबन 50 मेंबरी कमेटी जो है उनके नीचे जो है 50 आदमी हर एक टीम को दिए गए हैं,
वो सिर्फ एडम के लिए होंगे, अलग अलग 50-50 की टोली बना करके वो एडम पे बांट दी गई है। बाकी रहा जो अरे रोको का था, हमने आज तक जो भी अपने मुंह से शब्द निकाले हैं उसको पूरा किया है। और अभी हमने अगर 25 नवंबर को रे रोको का किया है और दिल्ली का किया है कि हम नई दिल्ली रोकेंगे, तो नई दिल्ली पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रोकेंगे तो रोकेंगे, रे रोको करेंगे और करेंगे। अगर केंद्र सरकार चाहे तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर सकती है, अगर केंद्र सरकार को हमारे ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है तो चाहे अगर वो हमारे ऊपर गोली भी चलवाना चाहे तो भी हम वहाँ से नहीं हटेंगे। ये जान तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम अपनी जान जो है अपने जवानों के लिए निसावर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैसेज मेरा सभी भाइयों से यही है कि देश में पहली बार पूर्व सैनिक जवानों, मैं फिर जोर दे करके कहूँगा जवानों, पूर्व सैनिक जवानों के लिए पहला ये धरना प्रदर्शन है जो कंटिन्यू लगातार 10 महीने से चल रहा है। और पहले बार जो देश में पूर्व सैनिक जवानों जो है, हमारे पूर्व सैनिक जवान जागरूक हुए हैं, उनको पता चला है कि हमारे साथ कहां कहां पे भेदभाव हुआ है, कहां पे क्या क्या गलत हुआ है, अभी सभी जवान जानते हैं। मैं सभी जवानों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि 25 तारीख को आप सभी काम छोड़ दीजिए, हम घर परिवार में कोई काम हो, कोई एमरजेंसी हो, तब भी हम कोई भी काम हो छोड़ करके अपने घर में आते हैं। तो ये भी आप लोगों की अपनी डिमांड है, ये जंतर मंत्र जो है जहाँ 25 नवंबर को वहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होगा, वो हमारी जो है रणभूमि है, हमारे लिए वो रणभूमि है। और रणभूमि में मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी अपना टाइम निकाल करके आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी का शादी हो, चाहे किसी का और कोई बात हो, एक दो दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन केंद्र सरकार को जो स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए कि केंद्र सरकार अब भी आगे अगर कहीं पे भी जवानों के साथ अन्याय करेगी तो ये जवान सहने वाले नहीं है। और इनको जो हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की, वो पूरी करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए हमें किसी भी स्थिति में जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। सभी देशवासियों से और देश के पूर्व सैनिक जवानों से अनुरोध है कि सभी काम धंधा छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में 24 नवंबर को आप दिल्ली में आ जाओ, 25 नवंबर को सुबह 8 बजे जो है हम रे रोको का जो नई दिल्ली में जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर दरियां बिछा करके रे रोको शुरू कर देंगे। और अपना केंद्र सरकार को, देश को ये स्पष्ट बता देंगे कि अभी जो जवान है इससे ज़्यादा अन्याय भेदभाव सहने को तैयार नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।